ये मटन लग रहा है, मटन भाई अनार छोड़ो नहीं यार, जो सारे पीस खाना है आपको भैया बताओ। जूस्ता भी है, जूस्ता भी है। अच्छा तो गाइस ये है चंपक होटल, मैं दिखा दूँ एक बार यहाँ से। तो ऊपर वाले बिल्डिंग में चंपक होटल है और हमारे साथ आ जाए शमीर भाई। फिलहाल हम अपनी गाड़ी यहाँ दिलवा रहे हैं और एग्जैक्ट में अगर लोकेशन की बात करूँ तो आपको आना होगा फोर्ड कंपनी चौक से JVR के ठीक अपोजिट वाले रोड पे आप आ जाओगे। तो यहाँ पर चंपक होटल काफ़ी सारे, एक लाइन से विभूति चंपक बहुत सारे हैं। तो आज हम जाने वाले हैं इसके अंदर और देखते हैं कुछ ट्राई करने वाले हैं। तो भाई हम चलने वाले हैं ऊपर और ये मिल जाएगा आपको यहाँ से जाने का रास्ता। फिलहाल बाहर काफ़ी शोर हो रही थी तो आई थिंक मुझे नहीं पता कि साउंड हमारी प्रॉपर आ रही थी कि नहीं। तो आपको ऊपर आते ही मिलेगा यहाँ पे चंपक होटल भाई। है तो काफ़ी छोटे से प्लेस में बट अगर अंदर की आप बात करो तो भीड़ ही भीड़ रहता है। अभी मैं खड़ा हूँ चंपक होटल के, चंपक होटल में एंड गाइस सिलेक्टिव रिजॉर्ट ये काफ़ी पुराना है तो हम बात करने का हम जानेंगे कितना पुराना है एक्जैक्टली। और यहाँ पे मतलब मटन और चिकन सारे खाए मिल रहे हैं मतलब देसी स्टाइल में। तो मैं आपको दिखा दूँ फ्री साइज को, जिसका कि काफ़ी बड़ा पैसेज है, लोग भरे रहते हैं। तो मैं आपको एक बार यहाँ की मेन्यू कार्ड दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे चंपक होटल्स मैं अगर वाइट कर दूँ, ये है चंपक होटल्स। यहाँ पे आपको मिल जाएगा मटन राइस थाली 2 पीस प्लस 1 प्लेट राइस आपको 180 रुपये में मिल जाएंगे। और यहाँ पे मिलेंगे मटन हांडी राइस थाली, प्राइस भी मेंशन नहीं है। चिकन राइस थाली, देसी चिकन राइस थाली, सारे के सारे प्राइस मेंशन मेरे सामने से दिखा दूँ आपको। तो गाइस ये होटल काफ़ी पुराना है, ये मतलब बहुत ही पुराना होटल है। और इनके अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग आते हैं खाने के लिए। आज ही तो सारे होटल खुले हैं बट पहले मटन और चिकन के मामले में चंपक, विभूति या फिर बहुत सारे होटल्स हैं पुराने से जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया बट अब से मैं दिखाने वाला हूँ। तो काफ़ी फेमस है तो हम इनसे बात करते हैं, इसलिए जानते हैं होटल के बारे में एंड फिर हम खाते हैं। ये चंपक होटल जो है कितना पुराना है? 22 साल हो गया है। 22 साल से एक ही जगह पे है। यहाँ पे आने के लिए एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा? फोर्ड कंपनी चौक से एग्जैक्टली। किसी से भी पूछना है तो चंपक तो बता देंगे। अच्छा आपके यहाँ सबसे स्टार्टिंग प्राइस क्या है, मटन या फिर चिकन जो भी मटन की बता दीजिए आप हमको? 170 है। अच्छा चिकन का 1, 10 मटन कितना पीस उसमें? 2 पीस। दो पीस, तीन पीस चिकन, 3 पीस। ओके थैंक यू सो मच। सो गाइस फिलहाल हमें हमने बात किया और गाइस इन्होंने बता रहे हैं मटन 170 और चिकन 140 आई डोंट नो बट अभी बात वो नहीं है। बात हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ के फूड्स को और टेस्ट करने वाले हैं मटन और चिकन को। तो चलिए हम चलते हैं उस साइड्स। चलिए यहाँ देखिए इसको गांडू भाई, यहाँ पे बहुत सारे होटल्स मिलेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली। ये ढूंढते ही आपको एक बड़ा सा पैसेज मिलेगा जहाँ पे कि आप अपने फैमिली को लेके भी खा सकते हैं। तो फिलहाल हम चल जाते हैं उस साइड्स और इस साइड्स भाई मिलेगा यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल और इस हॉल में सभी खा रहे होंगे। तो ये है बड़ा वाला पैसेज, मतलब फिलहाल लगभग 22 साल से तो ऐसे ही चलता आ रहा है। और बता रहे थे अंकल कि आप कुछ दिन बाद आओगे तो ये पूरा का पूरा पैसेज फुल मिलता है क्योंकि यहाँ पे अभी पर्व का समय चल रहा है। तो फिलहाल हम अपने लिए लगवा रहे हैं, क्या लगवा रहे हैं भाई? मटन। ओहो भाई हाथ धो रहे हो। तो हम अपने लिए लगवा रहे हैं मटन और दोनों मटन लगा रहे हैं ना। ओके हम अपने दोनों मटन लगवा रहे हैं फिर खाते हैं और टेस्ट हो जाते हैं। क्या लग रहा है? मटन है ये, मटन लग रहा है। मटन है मटन भाई, अनार छोड़ो नहीं यार, जो सारे पीस खाना है आपको भैया बताओ। जूस्ता भी है, जूस्ता भी है। अच्छा ठीक है, वो एक 80 के प्लेट में ही आता है जूस्ता। अच्छा नहीं नहीं 170 के प्लेट में ही आता है ना। दो पीस तो भैया यहाँ पे लगा रहे हैं मटन, लगा दीजिए भैया मटन यहाँ पे। हाँ बिल्कुल ले लेंगे भाई। ये रह गया मटन और यहाँ से जाता है। और राइस का अनलिमिटेड है, राइस अनलिमिटेड भाई, इतना खा लो एक बार। चावल कितनी बार? एक बार अनलिमिटेड नहीं है? नहीं। अच्छा अनलिमिटेड नहीं है भाई, एक बार हाँ प्लेट, उसके बाद एक्स्ट्रा। तो वही तो मैं बता रहा हूँ भाई, अनलिमिटेड है।
और क्या क्या मिलता है मटन चिकन के अलावा? मछली भी है, अंडा है। अच्छा, इधर चिकन है, इधर उस साइड चिकन। बिहार में काफी फेमस है भाई सिंगी मछली। तो गाइस फिलहाल मैं बैठ चुका हूँ यहाँ पे एंड हम वेट कर रहे हैं अपनी मटन और राइस का। फिलहाल आप हमारे पीछे भीड़ देख सकते हैं गाइस, अमेजिंग। और यहाँ पे अगर कोई मतलब फेस्टिवल ना हो, कोई पर्व त्यौहार ना हो, तो पर डे मुझे लगता है क्रॉस यहाँ पे दिन में 500 से 700 अप्रोक्स खाता ही होगा एग्जैक्ट। तो ये कोई पेड फूड नहीं है, हमारा लंच का प्लान बना था। हमारे साथ आज हमारे भैया समीर भैया है, तो हम दोनों ने एक साथ लंच का प्लान बना रखा था। तो फिलहाल हम दोनों आ गए लंच करने के लिए और हम तो वेट करते हैं अपने खाने के लिए, आते हैं आपसे मिलाते हैं। भाई आ गई अपनी ये मटन चावल। तो भाई ये आ गई हमारी मटन चावल। अब चावल देख सकते हो गाइस, चावल ये पहली बार आपको मिलेगा, इसके बाद भी आप ले सकते हो। इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना होगा। नहीं ले सकता है, चार्ज पे नहीं करना है। अरे भाई मटन की साइज़ देख लो आप, ये मटन की साइज़ क्या भाई आपकी, दिखा दो यार मटन की साइज़। हाँ ठीक है, ठीक तो है, मुझे ही पता। अरे भाई तो आज की पार्टी है समीर भाई की तरफ से। ओके गाइस, तो फिलहाल अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ भाई। पहले भाई लगभग 22 साल पुराना होटल है, कुछ तो खास बात हो है ना। मटन की पीस भी भाई सही है एंड ग्रेवी की थिकनेस भाई सो यम्मी। मुझे तो देख गए और हाइजीन की बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग खाते हैं, सबकी अपनी वो है, मतलब समझ लो यार। तो पानी में ठीक है, और सब ढाबो या फिर और सब होटल की तरह ज़्यादा मसाला ज़्यादा रंग वाला नहीं है, थोड़ा स्पाइसी है एंड टेस्ट का जवाब है। 180 रुपये में 2 पीस मटन और अनलिमिटेड चावल लाजवाब है एंड काफ़ी स्पाइसी नहीं है। अनहाइजीन तो मैं नहीं बोल सकता, बट फिर भी आप अपने अनुसार देख सकते हो। मुझे तो टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा एंड थोड़ा स्पाइसी है भाई, बच्चों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट बड़े बहुत आराम से और मज़े से खा सकते हैं। अब मैं ट्राई करने वाला हूँ मटन एंड मटन की पीस भी काफ़ी अच्छे हैं एंड सबसे अहम बात भाई, सबसे ज़रूरी ना मटन में कि वो काफ़ी अच्छा मतलब क्या बोलते हैं सीजना, पका हुआ होना चाहिए। भाई आप देख सकते हो पूरा का पूरा सीधा हुआ है, आप मुंह में लो काफ़ी अच्छा लगा भाई। ऐसे लगे हंस क्यों रहे हो भाई, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये देखो भाई इस सच में बहुत अच्छा है। भाई ये मटन है, लेग पीस नहीं है, बट काफी अच्छा रोस्ट हुआ, काफी अच्छा। सादा है ये जगह, सादा 2 दिन में चल रही है।
देखो भाई हमारा खाना कंप्लीट हुआ नहीं भैया, फिर से चावल लिखा गया भाई। फिलहाल चावल तो नहीं चाहिए, बट बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा बना। बस चावल नहीं भैया, पेट बढ़ गया। आप चाहो तो एक्स्ट्रा रस भी ले सकते हैं। फूल हो गया सच में, लाजवाब। बहुत टाइम पहले गए थे, तो हम ब्लॉगिंग करते ही नहीं। तो भाई फिलहाल हमने खाना तो कंप्लीट कर लिया, एंड एक्सपीरियंस भी सोचा खाना काफ़ी अच्छा था। थोड़ा मैंने भात में से नहीं किया अंदर तो ठीक है, बट सच में मैं ज़्यादा झाल लग रहा था, बट अभी पूरा कंप्लीट झाल खत्म। ये कोई लाल मिर्च की झाल नहीं है भाई, कच्ची मिर्च की झाल है। तुरंत थोड़ा सा रहेगा टेस्ट के लिए वो, बट सच है सीरियसली काफ़ी अच्छा टेस्ट था। 170 में भाई दो पीस मटन, आपने मटन का साइज देखा, बहुत ही अच्छा है लगा। तो मिलते हैं किसी भी, तो घर पर ऐसे फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।